हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि मल्टीमीटर से किसी इक्विपमेंट को कैसे किस प्रकार जो है चेक किया जाता है, जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, चॉपर, ये सबको जो है कैसे मतलब आप जो है मल्टीमीटर से जो है चेक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं जो है मल्टीमीटर को ऑन करता हूँ। यहाँ पर देखिए बाजार रेंज पर जो है मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। देखिए इसको मतलब बीप साउंड में इसको 00 पे ले आना है, ठीक है। आपको एक रहेगा फिर भी चलेगा दोस्तों। सबसे पहले हम लोग जो है चेक करेंगे, ये देखिए ये जो है चॉपर है, ठीक है। ये देखिए दो टर्मिनल है इसमें, ठीक है। मल्टीमीटर पे देखिए फॉलो कीजिए, ये देखिए बीप साउंड बज रहा है लेकिन इसमें जो है तीन रीडिंग दिखा रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट शॉर्ट कर रहा हो तो ये जो है वन पे आके अटक रहा है, ठीक है। एक बार फिर देखिए, देखिए ये जो है तीन पे आके रुक रहा है, ठीक है दोस्तों। इसका जो है तीन जो है यही दिखा रहा है कि इसको बाइंडिंग जो है सही है, ठीक है दोस्तों। देखिए ये जो है रजिस्टर कितने ओम्स का है, ये देखिए कंटिन्यूटी मोड पे कंटिन्यूटी शो कर रहा है लेकिन ओम्स रीडिंग दिखा रहा है, ठीक है, 40 ओम्स का रजिस्टेंस करके। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है रजिस्टेंस को मतलब पलट कर भी चेक कर सकते हो, उसमें जो है दोनों तरफ से कंटिन्यूटी मोड शो होता है, ठीक है दोस्तों। जो है डायोड है उसको जो है डायोड जो है हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसे इसमें हम जो है ये देखिए नेगेटिव में ये पॉजिटिव है, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं जैसे ही इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव में रख रहा हूँ, ठीक है, तब जाके ये जो है फॉरवर्ड बायस अग्र अभिनति कहलाएगा, ठीक है, तब जाके ये जो है कनेक्ट होगा। देखिए दोस्तों 450 जो है रीडिंग शो कर रहा है, ठीक है। मैं इसको जस्ट जैसे ही अपोजिट करूँगा तो पश्च अभिनति मतलब रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होता है, ओपन सर्किट हो जाता है, इसमें जो है कोई करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है। तो देखा दोस्तों आपने, कोई रीडिंग शो नहीं किया, ठीक है। उसी प्रकार देख लेते हैं हम जो है एक जेनर डायोड आता है, ठीक है, छोटा सा जेनर डायोड। ये देखिए ये जो जेनर डायोड भी अग्र अभिनति पश्च अभिनति रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस इसमें भी वर्क करता है, ठीक है। सेम टू सेम डायोड का ही कहानी है लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो है फिक्स्ड वोल्टेज पे आता है, जैसे 5 वोल्ट का जेनर डायोड चाहिए, 12 वोल्ट का जेनर डायोड चाहिए, उस हिसाब से आता है। लेकिन डायोड क्या होता है, डायोड जो है वैसा नहीं होता, ठीक है दोस्तों। ये भी जो है फॉरवर्ड बायस में ही वर्क करता है। देखिए जैसे ही मैं फॉरवर्ड बायस में इसको कनेक्ट किया, देखिए नेगेटिव को नेगेटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव में कनेक्ट किया, तब जाके जो है रीडिंग शो कर रहा है। जैसे ही मैं अपोजिट करता हूँ, ये देखिए मल्टीमीटर पर कोई रीडिंग शो जो है नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो है जेनर डायोड जो है बिल्कुल सही कंडीशन में, ठीक है। ये देखिए फॉरवर्ड बायस में ही ये वर्क कर रहा है, ठीक है, रीडिंग शो कर रहा है। चलिए दोस्तों हम जो है ट्रांजिस्टर, ये देखिए ये जो है ट्रांजिस्टर है, इसको हम जो है चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों। ट्रांजिस्टर के केस में क्या होता है, जैसे अगर पॉजिटिव जोड़े या तो नेगेटिव जोड़े, ठीक है, दोनों केस में एक लेग में ही मतलब वो रीडिंग शो करेगा, ठीक है, एक ही टर्मिनल पर रीडिंग शो करेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम जो है चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों बीच वाले में जो रीडिंग शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन लास्ट वाले में जो है रीडिंग शो नहीं करेगा, ठीक है, देखना, ठीक है। ये देखिए दोस्तों मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ, उल्टा करने पर भी एक ही टर्मिनल पे जो है रीडिंग शो करना चाहिए, ठीक है। ये देखिए लास्ट में रीडिंग शो कर रहा है, ठीक है, इसको मतलब आइडेंटिफाई करना है कि ये जो है, देखिए दोस्तों जो है बीच वाले में ही रीडिंग शो कर रहा है, लास्ट वाले में शो नहीं कर रहा है, ठीक। तो दोस्तों आपको आइडेंटिफाई करना है कि मतलब ट्रांजिस्टर के मतलब एक में मतलब शो करना चाहिए, ठीक है, एक लेग पे। तो चलिए दोस्तों ये जो लैंप को भी देख लेते हैं कितने ओम्स का लैंप है। ये देखिए दोस्तों 3 ओम्स ये जो है रीडिंग शो कर रहा है, मतलब कंटिन्यूटी मोड शो करेगा, ठीक है दोस्तों। इसमें आइडेंटिफाई करना है, कुछ रीडिंग दिखाए तब जाके उसको आइडेंटिफाई करना है कि जो है सही है, ठीक है। अगर वो एक पे आ जाए, देखिए ये एक पे अगर आ गया, इसका मतलब आइडेंटिफाई करना है कि जो है शॉर्ट है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जो मेरे दोस्त जो है चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे जो है अपलोड करता रहता हूँ।